आज हम लोग रसायन विज्ञान के क्लास 11th का परमाणु मॉडल में सबसे पहला परमाणु मॉडल जिसको थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, यह क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके गुण और दोष अर्थात महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थॉमसन ने 1904 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल, और यह जो परमाणु मॉडल था परमाणु का सबसे पहला परमाणु मॉडल था, मतलब जे.जे. थॉमसन ने जिस परमाणु मॉडल को दिया वह परमाणु का सबसे पहला मॉडल था। अब यह परमाणु मॉडल क्या है, 1904 ईस्वी में थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसके अनुसार परमाणु एक ठोस गोला है जिसमें धन आवेशित कण समांग रूप से वितरित होते हैं, और ठीक उसी प्रकार से ये धन आवेशित कण वितरित होता है जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज पाए जाते हैं। धन आवेशित कण को उदासीन करने के लिए समान संख्या में अर्थात प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन समांग रूप से वितरित रहता है, प्रोटॉन के अगल बगल में वितरित रहता है। इस मॉडल को चूंकि थॉमसन ने दिया था इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है, और थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम और आप प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है परमाणु का सबसे पहला मॉडल है, और 1904 ईस्वी में दिया गया था, और आप यहां देख रहे हैं कि परमाणु एक ठोस गोला है, और इस ठोस गोला के भीतर धन आवेशित कण प्रोटॉन समांग रूप से वितरित है जैसा कि तरबूज के अंदर बीज वितरित रहता है। इस धन आवेशित कण प्रोटॉन के अगल बगल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए कुल आवेश इसका शून्य हो जाता है, और इसी परमाणु मॉडल को परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अब हम इस बात पर विचार करें कि पर इस थॉमसन के परमाणु मॉडल का महत्व क्या है, तो सबसे पहला महत्व है कि यह परमाणु का सबसे पहला मॉडल है, सबसे पहला मॉडल है।
यह परमाणु का सबसे पहला मॉडल है। मतलब थॉमसन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कम से कम परमाणु मॉडल को देने का प्रयास किया। इसका दूसरा महत्व यह है कि यह मॉडल मतलब थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के उदासीन होने की पुष्टि करता है। परमाणु के उदासीन होने की पुष्टि करता है। मतलब थॉमसन के परमाणु मॉडल से ही यह पता चला कि परमाणु उदासीन है, अर्थात इसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर धन आवेशित कण और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, दोनों की संख्या समान है, इसलिए परमाणु उदासीन। तीसरा इसका महत्व यह था कि यह मॉडल मतलब थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रयोग के द्वारा सत्यापित नहीं हो सका, प्रयोग के द्वारा सत्यापित नहीं हो सका, इसलिए इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। थॉमसन का परमाणु मॉडल प्रयोग के द्वारा सत्यापित नहीं हो सका, इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को अस्वीकृत कर दिया गया। तो इस प्रकार थॉमसन के परमाणु मॉडल के गुण और दोष की जानकारी। सबसे पहला गुण है कि यह सबसे पहला मॉडल है, थॉमसन ने देने का प्रयास किया, परमाणु के उदासीन होने की पुष्टि करता है और यह परमाणु मॉडल द्वारा सत्यापित नहीं, प्रयोग के द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका, इसलिए इसको अस्वीकृत कर दिया गया। धन्यवाद।